अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन धो के क्यूब्स में, बोनलेस चिकन है ये, मैंने धो के ले लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ और मसाले भी डालूँगी। मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। दस से बारह लहसुन की कलियाँ, एक मीडियम साइज का प्याज रफली कट किया हुआ है, इसमें मैं 100 ग्राम, ये आधा किलो चिकन है तो मैं इसमें 100 लगभग 100 ग्राम चने की दाल भिगो के रखी थी 1 घंटा पहले, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इस पानी मैंने धो के पानी लिया था तो मैं ये भी पानी लगभग ये एक कप पानी है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले, लेकिन मैं खड़े गरम मसालों को डायरेक्ट नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं दो तेज़ पत्ते को मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। बाकी ये जो मसाला है जिसमें ज़ीरा है, धनिया सीड है, 1 चम्मच काली मिर्च है, 7-8 लौंग है, 1 काली इलायची, 1 इंच का काली दालचीनी का टुकड़ा और 7 से 8 लाल मिर्च, इसे मैं एक पाउडर बना लूँगी। मैं मिक्सर में डाल के, जार में डाल के एक फाइन पाउडर बना के आपसे मिलती हूँ। ये मेरा पाउडर बन चुका है, क्योंकि हम अक्सर गरम मसाला जो है साबुत डाल देते हैं और जब दाल पीसते हैं तो कुछ कभी कभी हमारी जो मसाले हैं वो अच्छे से पीस नहीं पाते दाल के साथ, तो होता ये है कि वो मुंह में आते रहते, बहुत बुरा टेस्ट लगता है। तो चले अब हम इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं, और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक्स्ट्रा लाल मिर्च और डाल सकते हो। तो अब हम इसको लेड लगा के पकने के लिए रख देते हैं 12 मिनट बाद। मैं बताना भूल गई, इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक भी डालेंगे। ये हम नमक मिला रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए। बस अब लीड लगा के हम इसे पकने दें। हमारी दाल वगैरह गल चुकी है, चिकन भी अच्छे से गल चुका है, अब हम इसमें से चिकन को अलग कर देते हैं और दाल को हम वापस से तब तक पकाएंगे जब तक दाल हमारे ये जो पानी है ये पूरा सोख ना ले। दाल को, पानी को हम खुश्क कर लेंगे, बहुत आराम से निकालें। मैंने दाल में से चने अलग, दाल में से चिकन अलग कर दिया है और इसमें से ये जो हमने तेज पत्ता डाले थे वो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जो इसकी खुशबू थी वो हमारे मसालों में आ गई है। अब इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अभी चिकन है, चिकन भी गल चुका है, इसको हम हाथों की मदद से ही रेशे रेशे कर देंगे। अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने तो हम इसे रेशे रेशे कर देते हैं। चिकन को मैंने पूरा रेशे रेशे कर दिए हैं और जो हमारी दाल थी वो भी बिल्कुल पानी खुश्क हो गई है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल के इसे अच्छे से बाइंड कर लूँगी। दाल को मैंने इसमें निकाल लिया है, अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और मिलाऊंगी, जैसे मैं ये 1 नींबू का रस है भी संभाल के इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 अंडे, आप चाहो तो इसे बाद में भी डाल सकते हो, मैं साथ में ही इसे दाल के साथ ही फेंट लूँगी।
अच्छे से मिल जाएगा। अब बस इसे हम पहले ग्राइंड करके लाते हैं। ये दाल भी हो गई है, अब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी दो हरी मिर्च बारीक काट के, एक प्याज मीडियम साइज का बारीक काट के और धनिया पत्ती, ये भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दे। अब इन सबको मैं अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देती हूँ। ये हमारी चिकन दाल सब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा तेल हाथ में लगाना है और अपने हिसाब से छोटे बड़े बॉल लेके चिकन का कबाब का शेप देना है और इसे हम साइड में रखते जाएंगे। इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज में रख दो तो ये बहुत जूसी तरह से तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह आप फ्रीजर में रख के, पहले खुला थोड़ा सख्त हो जाए उसके बाद आप इसे या तो आप एयरटाइट कंटेनर में या आप इसे किसी जिप पाउच बैग में डाल के फ्रीज़र में महीनों तक इसको सेव कर सकते हो। ये मेरी टिक्कियाँ तैयार हैं, अब मैं इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी, उसके बाद हम तल। 30 मिनट हो गए हैं, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें अपनी जो टिक्कियाँ हैं ये हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। आज मैंने धीमी ही रखी है तो बस इसी तरह बनाइए, टेस्ट कीजिए। अब हम इसे धीरे से एक एक को पलटाएंगे। धीरे से हम और दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसे सेक लेंगे, फिर वापस एक बार इसे धीरे से पलटाएंगे। हमें ध्यान रखना है जले नहीं। ये मैंने दूसरी तरफ से भी पलटा दिया है, थोड़ा पक गया था, थोड़ा मेरे अल्टी पल्टी करते हुए हमारे कबाब सीख गए हैं। मैं इसे एक को डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल जूसी और बहुत ही बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। तो आप भी इसी तरह एक बार ट्राई करके देखिए
और कैसे लगे ज़रूर बताना, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, नए आने वाले सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।